नमस्कार, आभार अभिनंदन, स्वागत है आप सभी का। मैं पहुंचा हूं कतौली विधानसभा के गांव बसाच में। कतौली विधानसभा में 117 गांव हैं और इस विधानसभा में 3,17,000 के आसपास वोट हैं, जिसमें 27% मुस्लिम हैं और 73% हिंदू वोटर हैं। हिंदू वोटरों में 64,000 दलित, 30,000 सैनी, 27,000 गुज्जर और 29,000 जाट हैं, जिनमें ब्राह्मणों की संख्या 12,000 और ठाकुरों की संख्या 5,000। आइए जानते हैं कि बसाच आज मैं पहुंचा हूं, यहां उपचुनाव चल रहा है, जिन यहां गठबंधन के मदन भैया और बीजेपी की राजकुमारी सैनी। आइए जानते हैं कि बसाच का रुख किस तरफ है, किस ओर जा रहा है यहां का जनता, यहां के वोटर किस ओर जा रहे हैं। जी, आपका नाम? नाम क्या है? ओम सिंह। ओम सिंह, ओम सिंह जी बताइए, बसाच में कितने, किस समाज से हैं आप? कश्यप समाज से। अच्छा, कश्यप समाज की कितनी वोट होंगी? वोट का तो मुझे पता नहीं गिनती कितनी होगी। वोट किधर जा रहा है कश्यप समाज का? सर, बीजेपी का ही है जी। यहाँ तो जी बीजेपी को जा रहा है, गठबंधन का कोई वोट नहीं आया? यहाँ किसी का नहीं, सभी का रहा जी ने तो। अच्छा, सभी का रहा। हाँ, पार्टी वाली तो सभी जगह रहा है, 2, 4, 10, 20, 100, 50 होंगे तिंगे भी हुए। अच्छा, 5 साल पहले जब विक्रम सैनी जी आए थे, उनके कोई काम है आपके यहाँ गाँव में? काम तो इन्हें बड़े बड़ों की पता, हम तो जंगल बार में रहने वाले हैं, पर थोड़ा बहुत तो काम है ही। अच्छा, क्या काम है, कुछ बता सको? तो सड़क पड़कों का काम तो चल ही रहा है। अच्छा अच्छा जी, आप बताओ, आप भी कश्यप ही हो? नहीं, हम तो ऐसी समाज से। ऐसी समाज से, ऐसी समाज की वोट 64,000 वोट है। अब की बार किधर? गठबंधन के साथ। गठबंधन के साथ है जी? विक्रम के खिलाफ। विक्रम के खिलाफ काम नहीं कराते किसी को कुछ भी जी? क्यों, 5 साल से रहे विधायक रहे, घर पर जाने पर नौकायदा योगी जी के पास जाओ, कुछ नहीं करते। भाजपा के खिलाफ नहीं, विक्रम के खिलाफ। अच्छा अच्छा, क्या कर रहे हैं आप बताओ, कोई काम बताओ करो बसाच में। आगे तो आगे डर को रहे, हम तो नहीं, कौन डर रहा, काहे का डर रहा मैं? हाँ, कौन समाज है आपका? दलित समाज से हो गया? हाँ जी, हरी जन समाज वाले। आपको वोट तो ज्यादातर बीएसपी को जाता है आपकी बार? आपकी बार हम तो गठबंधन जा रहे हैं। गठबंधन को उठा रहा आपका जी? आप? हम भी गठबंधन के साथ ही हैं जी। नहीं, ये मुझे लग रहा है यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, और आप जो हैं गठबंधन की ओर जा रहे हैं, इनका स्वागत भी आपने किया है ना जी? आप बताइए। मेरा नाम सावन कुमार एडवोकेट है जी, और अभी अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है जी, और मैं लगातार बीजेपी के चुनाव प्रचार में लगातार क्षेत्र में सक्रिय हूँ। सावन जी, ये बताइए कि जो उपचुनाव हो रहा है ना, वो क्यों हो रहा है, जरा जनता को बताएं क्यों हो रहा है उपचुनाव? जो ये यहाँ पे जो पहले सीट थी, इसमें विक्रम सैनी विधायक थे, और कोर्ट ने उन्हें 2 साल का कारावास की सजा सुनाई है, उनकी सदस्यता चली गई इसी उसमें, तो इसी कारण यहाँ पे उपचुनाव हो रहा है। यानी कि 2013 में जो कवाल कांड हुआ था, उनमें जो है उसमें ये आरोपी थे, आपका कहने का मतलब ये है ना? कोर्ट का निर्णय है वो, उसमें हम क्या कह सकते हैं जी? जी, कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया वो सही है जी। क्या नाम है आपका? तेजपाल। तेजपाल जी, बताओ, जब चुनाव चल रहे हैं आपकी बार, वोट किसे देना चाह रहे हैं? गठबंधन। गठबंधन को वोट जा रहा है? कितने वोट होगी आपके गांव में दलितों की? भाई, वो मैंने गिनी नहीं। कितने? 1000 होगी। कितने वोट होगी? 1000। गठबंधन को जा रही सारी जी? चुनाव में आपके बार वोट किसे दे रहे? हम तो फूल वाले को देंगे। फूल वाले को दे रहे? क्यों दे रहे ये बताओ, और किसे दुआ? नहीं, पूछ रहा मैं तो, क्यों? नहीं, हमने तो बताया, और किसे दुआओगे? क्या कारण है फूल को देने का? हमें नहीं पता, हम तो नहीं पढ़े आदमी। नहीं, राशन फ्री मिला इसलिए दे रहे का? हैं, राशन फ्री क्यों फ्री? 5-6 बालक खाए गेहूं काट काट का हमने जंगलों में। अच्छा अच्छा, तो अब की बार? की बार अब भी काट लेंगे हम, तब भी बतेरी मजदूरी कर। आप ये क्या, कोई हमारे घर पे देगा? वही हम देंगे। किधर जा रहे आपके घर के? आपका नंबर है? ठीक है, क्या नाम है आपका? जी, शुभम कुमार। शुभम कुमार जी, चुनाव है अब की बार 2022 का, इसमें वोट किधर जा रहा है आपका?
जी वोट देंगे हम गठबंधन को। गठबंधन को देने का कारण? गठबंधन को देने का कारण भाई ये है कि बस जिसो कि अब क्या किसानों का ये नुकसान हुआ, जो किसान योगी सरकार इस पर रोकथाम नहीं कर रही, जो खेतों में किसान लोग हैं देखो हम तो गाँव के, और ये जो बछड़े फिर रहे इन पर रोकथाम नहीं है, और हमें सरकार से चावल अनाज नहीं चाहिए बल्कि रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए, अच्छा ये मुद्दा होना चाहिए जी, रोजगार का मुद्दा जी, रोजगार के उस पर ही हम कह नाम की अपना मत वोट देंगे। बच्चों को पढ़ा लिखा तो रोजगार तो जरूर चाहिए जी, बताओ गरीब आदमी के लिए। क्या नाम है आपका? क्या बेगवती? बेगवती जी क्या कारण है आपके पास वोट किसे दे रहे हैं आप? वोट तो भैया फूल को ही दे देंगे, पर लेकिन बच्चों को तो नौकरी होनी चाहिए, पढ़ा लिखा रहे तो किस लिए पढ़ा लिखा रहे? नहीं वो तो बोल रहे हैं हम तो करोड़ रोजगार दे रहे हैं, हर बार कहाँ दे रहे हैं, हमारे तो बच्चे नहीं घूम रहे, बताओ गरीब आदमी क्या करेगा फिर? सरकार बोल तो रही है दो करोड़ रोजगार मिले, आपके गाँव में नौकरी नहीं मिलेगी, दो करोड़ नहीं मिलेगी, जीएसटी सब चीजों पर लगी पड़ी, बताओ क्या खरीद ले? जीएसटी 5% भी खाने पे, सोट पे भी जीएसटी है, सोना चांदी पे भी जीएसटी, हल्दी मिर्चों पे भी जीएसटी, कहीं भी साथी की दुकान पे चल जाए वहाँ भी जीएसटी, चावल पे भी जीएसटी, सब पर जीएसटी लगी पड़ी। तो फिर अम्मा ये बताओ वोट उसे क्यों दे रहे हैं जब जीएसटी झेल ले आप? भैया टाइम का पता लगेगा, पब्लिक मजबूरी और क्या करें, किसे दे? नहीं भैया हम तो कोई हमें कूद रहे बस, और क्या करेंगे, हमें कूदना पड़ेगा अब तो, नहीं वोट देंगे नल के? नहीं नहीं वो तो बात सही है, वोट देगा जी, किसे देंगे? नल के को ना, नल के को बता रही।